हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम ले रहे हैं हमारा इंग्लिशिया #71। यस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं #71 को। और क्लास स्टार्ट कर दीजिए। हेलो मैम, हाय मैम, अरे भाई ठीक है, हाय हाय मचा दी आज तो यहाँ पर सब लोगों ने डॉट 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 लगा के। कितने खतरनाक बच्चे हैं बताओ यार, ऐसे ऐसे बच्चे मिले मुझे तो। चलिए 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 तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज अच्छे से देखेंगे हम लोग क्लास को। चलिए तो इंग्लिशिया हैशटैग ले रहे हैं ये हमारे प्यारे प्यारे सितारे, सिलेक्टेड सितारे जो अपनी अपनी जगह पर चमक रहे हैं। एंड ये हमारे क्वालिफाइड सितारे जो अभी सैनिक के अंदर पूरे फुल ऑन, जो हमारा पूरा बैच था फुल ऑन क्वालिफाइड बैच, ये कहेंगे 100% रिजल्ट रहा है क्वालिफाइड के अंदर हमारा। हिमानी गौतम, हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है? आई एम गुड। पहले ही बता देते हो कि तुम पूछोगे हाउ आर यू मैम, ठीक है, अब तुम कैसी हो ये बताओ। ये हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन के मिक्स बच्चे थे। ये है बच्चे अभिष राजादित्य, अभिषेक तिवारी, आयुषी भारती, पीयूष, करण शर्मा, शौर्य प्रताप सिंह और ऋषिका भारती। और अब हम लेते हैं हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश ग्रामर #71। यू नॉट से हेयर, यू नॉट से नेसेसिटी के लिए आ रहा है तो नीड, कैन, विल और वुड, क्या आएगा इसका आंसर फटाफट से बताएंगे। हेलो आरव, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। कल भी हमने किया था नेसेसिटी के बारे में बात। मैम आपको आज अपनी फोटो भेज रही हूँ। ओके ओके पक्का। सवेरा जब हुआ जो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। क्या बात है मिस्टर आरव, बड़ी गाने वाने की शायर चल रही है आपकी, लगता है आज आपसे गाना वाना गवा दिया क्या शूटिंग के दौरान। चलिए चलिए चलिए, बड़ा अच्छा लिखा है। चलिए तो इसका आंसर नेसेसिटी, नेसेसिटी होती है जरूरत के लिए। जरूरत के लिए हम कौन सा मॉडल, मॉडल्स हमने बताया था, मॉडल्स कौन से होते हैं, कैन, कुड, ये सारे मॉडल्स कहलाते हैं। कुछ लोग इनको मॉडल्स बोलते हैं। भाई मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे लिखे जो खत तुझे, अच्छा मानिया गौर था आप भी चल हो गए क्या, लिखे जो खत तुझे। चलिए 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 मैम आप गाओ, मैं गाऊं, मैं गाऊंगी। चलो सेशन के एंड करेंगे ना जब हम गाएंगे, फिलहाल सेशन शुरू हुआ है तो शुरू होते ही हम गाना गाना नहीं करेंगे। चलिए मैम मेरे सबसे बेकार दिन आज दिन गया गलती से फोन में, क्या मैम मेरा सबसे बेकार दिन गया, दिन आज सलमान खान दिख गए गलती से फोन में। ओहो चलिए तो अब सेशन है इसका नीड होता है, नेसेसिटी के लिए जिस इसका इस्तेमाल किया जाए वो होता है आपका नीड। ओके चलिए एडिट करके तूने मिर्च मसा मिर्च मेरा मेर मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। क्या बात है, कैसी लाइन है ये बाची, बड़ी अजीबो गरीब सी लाइन है। आरव क्या लिखते हो तुम तो? चलिए कैथरीन वाज वेरी टायर्ड यस्टरडे, कैथरीन जो थी वो कल बहुत थकी हुई थी, शी डिडंट गो टू द ऑफिस, तो वो ऑफिस नहीं गई। तो सो आएगा, बट आएगा, सच आएगा या नियर आएगा, ऑब्वियस सी बात है रीजन बता रहे हैं। तो रीजन बताने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है,
हाय स्वीटहार्ट मैम, हाय अश्लेष आर्ट सेंस, हेलो, क्या हाल चाल है आपके? चलिए, तो इसका आंसर है सो। रीजन बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सो का, ठीक है। चलिए, नियर द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट देयर इज अ ब्रिज द थेम्स रिवर। अब उसने बोला एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, यानी नियर द हिस्टोरिक जो मॉन्यूमेंट है, देयर इज अ ब्रिज, वहां पर ब्रिज है, द थेम्स रिवर। अब थेम्स रिवर के अबव, ओवर या ऑफ या टुवर्ड्स, जल्दी से बताएंगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन मैम। यस, मैम आज बहुत प्यारे लग रहे हो। अरे स्पेशा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड मैम आप कल बोल रहे थे कि सलमान और मेरे पापा फ्रेंड्स हैं, बिगेस्ट एनिमी। भाई बिगेस्ट एनिमी तो आपने बताया, मैं तो ये कह रही हूँ फ्रेंड्स है। देखो फिल्म इंडस्ट्री में एक यही खासियत होती है कि कोई जंग का मैदान नहीं होता, वो थोड़े दिनों की बात है कि आपस में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है, बट बाद में सब कुछ ठंडा हो जाता है। ये अच्छी चीज़ है फिल्म इंडस्ट्री की, लॉ लाइफ लॉन्ग ग्रज नहीं रखते वो लोग, क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं होता इसलिए। मैम ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल, थैंक यू हिमान्या, थैंक यू सो मच। अरे अरे अरे, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, उनका दिल साफ है तो वो अच्छी है। अच्छा जी, सुनने में आया मैम लंदन में। सुनने में आया है मैम लंदन में रहने रहेंगे, अभी के अभी जाके पहले टिकट काटता हूँ। ओके पक्का कटवा लो। तो चलिए, अब ब्रिज जो है वो कहाँ पर होता है भाई? ओवर होता है, अबव होता है या क्या होता है? नदी के ऊपर बनता है, नदी के ऊपर बनेगा तो बिकॉज मैम सुनने में आया टिकट, मैम ऐश्वर्या थी सबसे बड़ी दुश्मनी कराने वाली। हाँ तो हो गया यार, वो मैटर तो क्लोज ही हो गया, उस मैटर को तो मारो गोली, ठीक है। तो इसका आंसर है ओवर, ओवर दी ब्रिज, ओवर दी सॉरी थेम्स रिवर, क्योंकि नदी बह रही है, कभी भी अबव नहीं होता, छूता हुआ नहीं होता है, यानी हल्का नहीं होता, बल्कि ब्रिज हमेशा नदी के ओवर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट कुडंट फाइंड एनीथिंग लाइक। तो एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट, आपको प्रोनाउन ऐड करना है, फाइंड एनीथिंग। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मैम। ऐश्वर्या थी सबसे बड़ी, ओवर ऐश्वर्या राय या ऐश्वर्या शर्मा? अरे ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या शर्मा कहां से ला रहे हो यार? चलिए ऐश्वर्या राय ने पापा से दुश्मनी कराई, मैं ऐश्वर्या शर्मा से कर लूंगा अब दुश्मनी। ऐश्वर्या शर्मा कौन है भाई? कौन है ऐश्वर्या शर्मा? ऐश्वर्या इज माय फेवरेट मैम। अच्छा ऐश्वर्या, ओके। चलिए तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। एना एंड तानिया, एना और तानिया क्या है? प्लूरल है, तो इनके लिए जो यूज होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल। दे कुडंट फाइंड एनीथिंग दे लाइक, तो उनको जो पसंद है वो उनके पसंद की चीज मिली नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए चलिए आंसर दीजिए, बॉलीवुड नॉलेज हम बाद में ले लेंगे। चलिए, इफ आई हैव मनी I it tomorrow. I will purchase it tomorrow. I would purchase it tomorrow. I have purchased it tomorrow. I have purchased it tomorrow.
मैम मेरे बर्थडे में धूम मचाऊंगा। ओके पक्का मचाओ धूम मेरी तरफ से खुली। मैम हु इज द 15th मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंडिया मे बी योर फादर बिकॉज आई डिडंट गो फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके तो इफ आई पर्स आई हैव मनी अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं इसको कल खरीदूंगा। तो ऑब्वियसली बात है टुमारो आ रहा है और आई विल परचेज इट टुमारो। ठीक है अगर मेरे पास पैसा होता है तो मैं इसे खरीदूंगा। इफ आई हैड मनी आई इट टू नाउ। ठीक है ये भी सही है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसको अब खरीद लेता। जल्दी से इसका भी बताइए। डोंट से दैट अबाउट ऐश्वर्या राय प्लीज। ओके ओके लीव द मैटर भाई। इसे ऐसा बेवजह के बेतुकी चीजें मत करो क्योंकि वो लोग तो आपस में लड़ लिए मिल भी जाएंगे हम लोग ही रह जाएंगे है ना। तो एक बार छोड़ दिया जाए इस मैटर को। उनकी वजह से हमारी क्लास क्यों खराब करें। उन्होंने तो जो करना था कर लिया पैसे भी कमा लिए आराम से बैठ के अपने घर में पिज्जा पार्टी भी कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कुछ और ही। मैं हिमानिया मुझे जानती तो ऐसे नहीं बोलती। अरे सब जानती है हो गया। ठीक है चलो तो इसका आंसर बताएंगे फटाक से। इसका आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग एडवाइस। गुड इवनिंग शेर शेरनी। इफ आई हैड मनी आई देखो अगर आगे पास्ट है तो आगे भी क्या रहेगा पास्ट। तो इफ आई हैड मनी आई वुड परचेज इट नाउ। चलिए नेक्स्ट। द वुमेन इज स्टैंडिंग बाय द टेबल वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। द वुमेन यानी औरत जो कहाँ खड़ी है टेबल के पास वो कहाँ काम करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो हु हुज हुम और विच। जल्दी से इसका आंसर देंगे। ओके देखिए जब हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन की बात में क्या होता है द वुमेन हु। जब भी इंसान के बारे में बात की जाए तो हु। द वुमेन हु इज स्टैंडिंग जो कहाँ खड़ी है टेबल के पास। चलिए नॉर्मल अ गर्ल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ही इज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस। वो अपना अकोमोडेशन देख रहा है इन फ्लैट और शेयर हाउस। बोथ इन फ्लैट शेयर हाउस अंटिल नीदर इधर। देखो इसका सबसे आसान तरीका है हमारे पास में आरव। देखो और आ रहा है और की पेयरिंग किसके साथ होती है हमेशा ध्यान रखें। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। अरे भाई नाम से पता लग रहा है यू आर अ कॉमन बॉय यू शी इज अ कॉमन गर्ल। तो इसका आंसर है आपका ईदर क्योंकि ईदर की पेयरिंग किसके साथ होती है और के साथ होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव बसेस विद बसेस बाय बसेस फ्रॉम बसेस या इन बसेस। जल्दी से इसका आंसर देंगे।
मैम भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। अच्छा ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव विद बसेस। भाई बसेस के साथ थोड़ी ना आते हैं, बाय बसेस, फ्रॉम बसेस तो नहीं होता, बस से आ रहे हैं। अब बाय या इन में कंफ्यूजन है, जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, देखो क्योंकि ये बैठ कर आ रहे हैं ना तो बाय नहीं आता है, हमेशा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन आएगा इसका आंसर। ठीक है, इन रहेगा इसका आंसर, ध्यान रखें इन है, बसेस में बैठ कर आए। मैम यहाँ कोई स्क्रिप्ट चल रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है, अरे होता रहता है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। चलो आगे। कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन कोर्स ऑन संडे, मेक सम, टेक सम, डू सम या डस सम। कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को क्या करवाया, डू सम चोर्स ऑन संडे, हर चिल्ड्रन डस हर, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। मैम आप अच्छे से बात क्यों नहीं करते मुझसे, अरे और तुमसे मैं जितनी बात करती हूँ ना, सच बोलती मैं बात किसी से नहीं करती, पता है स्टूडेंट के तौर पे ऑनलाइन में इतना नहीं करती मैं, तुम्ही से गप्पे मारती हूँ बैठ के अच्छे से। चलिए तो इसका आंसर दीजिए, 10th का होगा कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन, बच्चे ज्यादा हैं तो डस्ट तो होने से ना चिल्ड्रन आ रहा है, मेक सम चोर्स तो हो नहीं सकता, टेक सम चोर्स तो डू सम चोर्स, यानी उसने करवाया, क्योंकि वो मेक आ रहा है तो इसका मतलब है वो काम करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं 11th पे, बिफोर डिजाइनिंग अ पब्लिक पार्क द आर्किटेक्ट मस्ट द पब्लिक, बिफोर डिजाइनिंग पब्लिक पार्क को बनाने से पहले आर्किटेक्ट को क्या करना चाहिए, मस्ट कंसिडर, considers, recognize or recognizes the public. मैम रोज मुझसे हंस के बात करते हो नाराज होकर, अरे सच में नाराज नहीं हूं मैं, आज थोड़ा सा मेरा ना हेडेक है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार आपसे नाराज होके कहाँ जाना है, यही मिलना है रोज हमें। मैम आपको पता है मैं बहुत मासूम हूँ, हाँ हिमानिया बच्चे सारे बहुत मासूम होते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हिडन टैलेंट, हाँ चलो, तो अब बिफोर डिजाइनिंग अ पब्लिक पार्क को डिजाइन करने से पहले द आर्किटेक्ट मस्ट कंसीडर, कंसीडर्स हो ही नहीं सकता, रिकॉग्नाइज पहचानना थोड़ी ना, कंसीडर करना है यानी पब्लिक को मद्देनजर रख के बनाना है। आई एम वेरी मासूम, हाँ भाई सारे ही मासूम। चलो, द हाउस इज लार्ज इज क्वाइट ओल्ड फैशन, द हाउस जो है वो बड़ा भी है और क्या है, लगभग पुराने जमाने का है, तो एंड आएगा और आएगा, विच आएगा या बट आएगा। मैम लेकिन किसी को नहीं लगता इंडिविजुअल हिडन टैलेंट, आई एम वेरी मासूम। हाँ भाई कल मूवी देखी है, कौन सी मूवी देख रही थी भाई बताइए। तो 12th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बट इज क्वाइट ओल्ड फैशन, यानी दिखने में घर बड़ा है लेकिन पुराने जमाने का, क्योंकि दोनों चीजें आपस में मैच नहीं कर रही। आ जाते हैं, द नंबर ऑफ वेब एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो जो नंबर है वेब एंटरप्रेन्योर्स का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, साल में बढ़ता जा रहा है, इज आर हैज बीन या हैव बीन।
इस सेशन को जरूर लाइक कर दो फटाफट से जल्दी से। तो इसका आंसर है चलो चलो आंसर दो। मैम जीके सेशन कब होगा बेटा? आज का जीके सेशन तो मैं ले चुकी, 6 o'clock पे लिया था मैंने, आज आपने देखा नहीं। आपने इसको वो नहीं कर रखा क्या बेल आइकन वाला, जिससे नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाए? द नंबर ऑफ वेब एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर। देखो हर साल बात हो रही, तो साल अगर आ रहा है तो ये रूटीनल चीज है, तो पहली बात तो ये जाएगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में, हैज बीन और हैव बीन तो आएगा नहीं क्योंकि पैसिव का सेंटेंस ही है। इस दौरान द नंबर ऑफ वेब एंटरप्रेन्योर्स, तो यहाँ पर हम ऑफ के बाद वाले का देख रहे हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, तो एंटरप्रेन्योर्स की बात की जा रही है यानी बहुत सारे, तो आर आ जाएगा। मैम हेडेक हो रहा है, क्यों भाई क्यों हेडेक क्यों हो रहा है, क्या हो गया? मालूम नहीं पड़ता और मुझे सेशन में मजा आता है। हाँ तो भाई कल से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ना सेशन का। चलिए राइट डाउन योर नेम एंड रोल नंबर, राइट डाउन बोथ योर नेम एंड रोल नंबर, ईदर योर नेम एंड रोल नंबर, नीदर योर नेम नॉर नंबर और नॉट ओनली, तो जल्दी से बताएंगे। मालूम नहीं पड़ता है, ओके okay। देखो एंड का जो पेयर होता है ना, एंड का पेयर किसके साथ होता है आपको पता है? ईदर का पेयर होता है और नीदर का पेयर होता है नॉर, नॉट ओनली का होता है बट ऑल्सो, तो इसका आंसर हो गया बोथ। बोथ का पेयर हमेशा बनता है एंड, ये पेयर्स हैं, ग्रामर की जोड़ियां हैं जो ग्रामर ने बना के दी हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऑक्सीजन कैन बी मिक्स विद गैसेस सच एज हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन कैन बी मिक्स विद अनदर लाइक अनदर गैसेस द अदर गैसेस और अदर गैसेस। मुझे शिन शिन देखने में मजा आता है, मैम से बात करना अच्छा लगता है। ओके थैंक यू सो मच मिस्टर आरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मज़ा नहीं आता है, पढ़ाई हो जाएगी सेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, बताओ जिसके लिए जुड़े हैं हम। तो सो सो इसका आंसर मैम पार्टी चाहिए आपको? ऑब्वियसली भाई, आप इतना आपने इतने सारे बड़े बड़े काम कर लिए थी छोटी सी उम्र के अंदर, तो आपसे पार्टी नहीं लेंगे हम लोग। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। मैम पार्टी चाहिए आपको? मैम मैं कल आ रही हूँ, ओके आ जाना। आदिल भाटी आयशा मैम यू ब्लॉक मी, व्हाई? डोंट यू नो दैट इट्स अ प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म? डोंट यू नो इज दिस इज दैट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म? आरव कैन आई आस्क यू इफ यू डोंट माइंड व्हाट्स योर फादर्स नेम? ओके मैम जनवरी 2027 में दूंगा,
2000 वाली कैंसिल, क्यों भाई? चलिए सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अदर विद अदर गैसेस। हम ये साइंस में भी पढ़ते हैं ना, दूसरी गैसेस के साथ इसको मिक्स किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, द मैन वॉलेट वाज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस, द मैन हु हुज हुम या व्हिच। भाई जिसका वॉलेट जो है चोरी हो गया है ना, तो उसके लिए ये बोल रहा है। चलिए तो अभी यहाँ पर फटाफट से इसका आंसर देंगे। बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, हुज, जिसका। हुज आता है जिसका, यानी जब चीज और इंसान के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ही टेक्स हिज टर्न एंड शी टेक्स, उसने अपनी बारी ली और उसने अपनी, तो हर होगा, हर्स होगा, हर्सेल्फ होगा या हिमसेल्फ होगा। देखो हिमसेल्फ हर्सेल्फ तो नहीं आने वाला, ठीक है, अब हर या हर्स में से आएगा, इतना तो मैंने आपके लिए कर दिया। फटाफट से इसका आंसर बता दें। विकास पटेल वीपी जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आपके क्या हालचाल है मिस्टर विकास पटेल? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड प्लीज प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। शी टेक ही टेक सिस्टर एंड शी टेक्स हर और हर्स। मैम इंडियन पुलिस फोर्स ने तो वर्ल्ड वाइड 44.75 करोड़ का कलेक्शन किया, वाओ ग्रेट, दैट्स ऑसम, अच्छी बात है ना ये तो, एकदम आप मस्त हम भी मस्त। ओके तो इसका आंसर है हर्स, क्योंकि देखो स्ट्रेस डालते हैं जब हम अपने उस पे काम पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो या तो एम्फसाइज के लिए हम क्या करते हैं हर्स, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो हर्स हो जाएगा, यानी वो उसने अपनी ली। चलिए, इफ आई हैड मनी आई इट यस्टरडे, इफ आई हैड हैड मनी आई इट यस्टरडे, आई वुड परचेज, आई वुड परचेज, आई वुड हैव परचेज, आई वुड हैव परचेज। देखो वुड हैव के साथ परचेज आना जरूरी है, वुड के साथ परचेज नहीं आता। अब ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शंस में से आपको बताना है। मैम आपसे सबसे ज्यादा बात किस स्टूडेंट से करते हो? तुमसे मैम, योर फेवरेट स्टूडेंट इन लाइव सेशन। ओहो मिस्टर आरव, आप अपना नाम सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, वैसे सारे स्टूडेंट्स फेवरेट है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक टीचर टीचर के लिए कुछ एक हो। मैम आई थिंक ऑप्शन ए, प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन। प्रीवियस क्वेश्चन में बताना है बेटा, देखो हर इसलिए नहीं होगा, शी टेक्स हर्स, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के अंदर स्ट्रेस डालते हैं, जैसे हम कहते हैं ना उसने अपनी साइड ली, लेकिन वहां पर हम जब किसको नहीं ले सकते, खुद के लिए सेल्फ को नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं आया। शी टेक्स हरसेल्फ, हरसेल्फ वगैरह कब आता है? एम्फेसिस। लेकिन हर्स क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर उसने खुद के लिए लिया है, ठीक है, पोजिशन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए, इफ आई हैड हैड मनी, अब इन दोनों में से कौन सा होगा आपको पता ही है, जल्दी से लगा लो। तो इसका आंसर, मैम हिमानिया कुछ पूछ रही है मेरे बारे में, हाँ तो बताओ ना, आपसे पूछ रही है बच्चे, बताओ उसको, उसने क्वेश्चन किया आपसे, पुटअप किया क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा वुड हैव परचेज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट आते हैं फटाफट से, केट तो अकम्पनीड बाय हर ब्रदर एट द पार्टी, केट जो थी वो अपने भाई के साथ आई थी, तो इज अकम्पनीड होगा, केट अकम्पनीड बाय हर ब्रदर
इज एट द पार्टी, आर एट द पार्टी, वर एट द पार्टी, या वाज, वर वाज एट द पार्टी? पैसे से बढ़कर कोई चीज नहीं, पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, दैट्स पावर ऑफ मन। हाँ ऑब्वियस बात है, आजकल की दुनिया में पैसे से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इंसान पैसे की खातिर तो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी का गला काट सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है यार। हिमानिया विवेक ओबरॉय। ओ ओके हिमानिया, उसने आपको बता दिया है पापा का नाम, यू वॉन्ट टू नो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केट अकंपनीड आ रहा है, यानी पास में जा रहा है, हर ब्रदर यानी जिसके साथ उसका भाई आया था वॉज एट द पार्टी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ केट की बात हो रही है इसलिए। ठीक है नेक्स्ट, आई कैन नॉट कम टू सी यू टुमारो, आई कैन नॉट कम टू सी यू बाय टुमारो, टिल टुमारो, अनटिल टुमारो, अनलेस टुमारो। मैम मैं तो मर्डर कर दूं भाई, मर्डर की स्पेलिंग तो सही करो, मर्डर की स्पेलिंग क्या होती है, क्या कर रहे हो? आई कैन नॉट मूवी में, हाँ सच में नहीं, सेंट्रल नहीं जाना मुझे, सेंट्रल जेल नहीं जाना मुझे। अच्छा ऐसे क्या, सही है, क्या हुआ इसका आंसर देखें जल्दी से बताएं। मैम डोंट फॉरगेट यू सिंग सॉन्ग, अरे यार क्यों गाने गवाए, मेरे को ना सच में मारेंगे पकड़ के यूट्यूब वाले, इतना तुम लोग ना गाने मत गवाया करो ऑनलाइन। ठीक है तो इसका आंसर है अनटिल, अनटिल टुमारो, यानी मैं कल तक तुम्हारे पास हूँ, नहीं आज डेडलाइन दी है ना इसलिए। ही हैज बीन लिविंग इन स्विट्जरलैंड 2 ईयर्स, वो स्विट्जरलैंड में 2 साल से रह रहा है। अब देखो 2 ईयर्स कोई भी हो सकते हैं, अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम जब भी होता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं जल्दी से बताएंगे, फॉर का, सिंस का, फ्रॉम का, या अनटिल का? ओके 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 मान्या ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर, क्योंकि एक्चुअली अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम, अगर यहाँ पर 2 साल में कोई सन दिया होता तो सिंस आ जाता। ठीक है इस चीज को ध्यान रखें। मेरा रियल नेम वीर विवान ओबरॉय है, ओके भाई, निक नेम लव ओबरॉय है, यूट्यूब नेम चैनल के आरव ओबरॉय है, बाप रे कितने नाम है। शी इज स्टैंडिंग हर बॉयफ्रेंड इन दिस क्राइसिस, शी इज स्टैंडिंग विद हर बॉयफ्रेंड बाय हर प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड इन हर या फॉर हर बॉयफ्रेंड, क्या एग्जाम्पल ढूंढ के लाइए टीम बी। मैम ऐप पर पढ़ाती हैं, हाँ ऐप पर पढ़ाते हैं हम, ऐप पर हमारा डाउनलोड करा हुआ है सारा मटेरियल रखा हुआ, अब जल्दी हम ऐप के थ्रू भी क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। तो वो अपने क्या थी, बॉयफ्रेंड के साथ उसके बुरे वक्त में खड़ी थी, साथ खड़ी थी ना, तो स्टैंडिंग विद,
तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग विद हर बॉयफ्रेंड. नेक्स्ट आ जाओ, ही पेड द डाइनिंग बिल अ क्रेडिट कार्ड. ही पेड द डाइनिंग बिल विद क्रेडिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, इन क्रेडिट कार्ड या फॉर क्रेडिट कार्ड. अब सिंपल सा है, देखो इसमें ये तो होने से रहा, इन तो मान लो और फॉर भी मान लो, दोनों नहीं आएंगे. अब है विद और बाय, अब आप उसका दोनों में से बताओ जल्दी से. आयशा मैम, हां जी, हिमान्या बोलो. मैम आज तक आपने मेरी सिस्टर के बारे में नहीं पूछा. आपकी सिस्टर के बारे में तो नहीं पूछा, हाँ क्योंकि आपने बताया. क्या यार अभी कौन सा गाना लिख रहे हो, इतने बदमाश हो गए ना तुम लोग आजकल. फरहान खान, गुड इवनिंग अवाम, गुड इवनिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट. चलिए तो जल्दी से बताएंगे उसने किससे पे किया, विद से किया या बाय से किया. क्रेडिट कार्ड के जरिए होता है तो बिल किससे पे हुआ, डाइनिंग बिल विद अ क्रेडिट कार्ड. ठीक है, उसने क्रेडिट कार्ड से यानी के साथ पे किया. Losing the first match, our team has won the World Cup. Losing the first match, हारने की वजह से हमारी टीम जो थी World Cup जीती. वाह, because of losing, in order to, despite of losing, and in spite of losing. जल्दी से बताएंगे. मैम मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ. सच्ची बहुत ज्यादा ही सीधे साधे हो. मैम पापा से शिकायत नहीं करना. मैं क्या शिकायत करूंगा, वो देख लेंगे लाइव तो उनको पता लग जाएगा. चलिए जल्दी से आंसर दें. प्लीज एवरीवन लाइक द सेशन, अपनी अटेंडेंस लगा दो लाइक बटन हिट करके. जी हाँ भाई, लाइक बटन हिट करके लगा दो. सो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वन द वर्ल्ड कप. नहीं, इन ऑर्डर टू नहीं, डिस्पाइट ऑफ लूजिंग नहीं, इन स्पाइट ऑफ. देखते देखते क्या आता है. आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दूंगा, बस शिकायत मत बोलना. ओके ठीक है, करवा देना आज की रात में, हो जाने चाहिए. देखो फिर मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ. सो इसका आंसर है डिस्पाइट, डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप. ठीक है, डिस्पाइट ही, इसके बावजूद, है ना. चलिए नेक्स्ट आते हैं. एवरीवन एट द पार्टी अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस. एवरीवन एट द पार्टी इज अमेज्ड, आर अमेज्ड, वर अमेज्ड या वाज अमेज्ड. हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो आयुष पंडित, क्या हाल चाल है आपके. ठीक है आयुष जी. हाँ, इश्क में दिलबर दीदी ना, दीदी ना भाई ना, दीदी ना क्या आ रहे हो, क्या लिख रहे हो आज, क्या हो गया है. चलिए ठीक है. हेलो हेलो हेलो, अरे बस 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 आयुष पंडित जी, बस इतना हेलो 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 हो गया, बहुत हो गया. चलिए तो एवरीवन एट द पार्टी अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एवरीवन एट द पार्टी अमेज्ड. अमेज्ड आ रहा है यानी ये पास्ट में जा रहा है ना, तो वाज. एवरीवन सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है, तो एवरीवन एट द पार्टी वाज अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस. सो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक का था. आज हमने हमारे 25 क्वेश्चंस किए जो मिक्स सीरीज के अंदर थे. मडाल्स थे, कहीं पर डिटरमाइनर्स थे, कहीं पर हमने कंजक्शंस को भी देखा और कहीं पर हमने वर्ब्स को भी देखा. तो आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं, अब हम चलेंगे आगे. यहाँ पर है आपका जो हमारा एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करने का तरीका. पहले जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, टाइप कीजिए FDA_बीकानेर और देन आपके पास में हमारा आ जाएगा. उसमें बाकी सारी जो डिटेल्स मांगे वो आप उसमें डाल दीजिएगा. हाँ हाँ ठीक है गाती हूँ, एक मिनट रुको. और जिनके पास में है
सॉरी एप्पल के यूजर्स जो है वो प्लीज क्लास प्लस को डाउनलोड करें, देन उसके बाद उसकी लिस्टिंग में आपको आ जाएगा। चलिए हाँ हाँ हिमान्या गा रहे हैं, गा रहे हैं, 2 मिनट रुकोगे, गाने दो, लिरिक्स निकालने दो। मैम लिखे जो खत तुझे तेरी याद में हजारों रंग के, अरे हाँ वही गा रही हो यार, गा रही हूँ, 2 मिनट रुको। तुम सच में मेरे को बैन करवाओगे यूट्यूब वालों से, तक एक तो मेरा गला खराब, ऊपर से तुम लोग इतने ऐसे अच्छे खासे गाने गवाते हो, बहुत बढ़िया वाले वो भी। ओके चलिए गला साफ कर लेते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल ने ये तो आई कहीं छत की कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जब रात आई तो सितारे बन गए। बस ठीक है, थैंक यू सो मच, गा दिया मैंने। मैम लव यू स्वीट ड्रीम्स, मेरे सपने में आज मुझे स्लैप ना मारो, ठीक है? नहीं यार आज मैं स्लैप नहीं तो मैं बहुत गंदा मारूंगी। मैम वाओ ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल कुछ नहीं है मैम, 7 करोड़। विकास चुप रहे, मैं नहीं पसंद, भाई देखो आपकी चॉइस है, वी कांट डू एनीथिंग, सबकी अपनी चॉइस है। तो चलिए आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं, आपकी फरमाइशी पूरी हो गई है, सो थैंक यू सो मच आप सभी का। मैम कल आता हूँ राजस्थान, ठीक है आ जाइए, आ रहा मिलते हैं मैम से कल राजस्थान के अंदर, बीकानेर आ जाइएगा, ठीक है ना? और जैसे बीकानेर में पैर रखे कॉल कर दीजिएगा, नंबर आपके पास है, एट द स्पॉट आपको रिसीव करने के लिए हम आ जाएंगे। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक ही है, कल बात करेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायनारा, सत श्री अकाल।